सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल मिश्रा जी टेक्निकल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिश्रा जी टेक्निकल में। दोस्तों, मैं हूं सुमित मिश्रा और आज की इस वीडियो में मैं आपको तुगलक वंश के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैंने खिलजी वंश के बारे में बताया था और उससे भी पहले मैंने हिस्ट्री सीरीज की सारी वीडियोज़ लगभग कवर कर दिया है। तो दोस्तों, अब अगला नंबर आता है तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों, एंड में मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व कराऊंगा जो कि इसी वीडियो में से होगा। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक अच्छे से देख लेते हैं तो तुगलक वंश से आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतिहास सीरीज की बाकी की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी वीडियोज़ के लिंक्स डाल दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने खिलजी वंश के बारे में आपको बताया था कि खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक चला था, जिसका महानतम शासक अलाउद्दीन खिलजी हुआ, जो कि 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक यानी कि 20 साल तक राज किया। उसके बाद दोस्तों, 5 सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक नामक एक सरदार ने खुसरो शाह को पराजित कर दिया और जाकर दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। तो दोस्तों, यहीं से एक तुगलक वंश की नींव पड़ी जो कि 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक चला। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक जनता के प्रति उदार और एक अच्छा शासक था। इसने नहरों और कुओं का निर्माण कराया था जो कि सिंचाई के लिए था, और संभवतः नहरों का निर्माण कराने वाला ये पहला शासक था। दोस्तों, इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लिए गए अमीरों की ज़मीनों को वापस लौटा दिया। गयासुद्दीन तुगलक को ही गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है और इसने मंगोलों के लगभग 29 आक्रमणों को हमलों को रोका था। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर अपने वंश के नाम से एक नगर स्थापित किया जिसका नाम तुगलकाबाद रखा। तुगलकाबाद में ही दोस्तों एक दुर्ग स्थापित किया गया जिसका नाम छप्पन कोट रखा गया, और ये दुर्ग जो था वो रोमन शैली में बना हुआ था। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक के बेटे का नाम था जूना खां। जूना खां ने एक महल बनवाया था जो कि लकड़ी का था। जब ये बंगाल के अभियान से लौट रहे थे तो उस समय उस जूना खां के महल में रुके हुए थे। दोस्तों, वो लकड़ी का महल गिर गया जिसके नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक उर्फ गाजी मलिक की 1325 ईस्वी में मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दोस्तों, जूना खां यानी कि उसका लड़का जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दोस्तों, इतिहासकारों का मानना है कि मध्यकालीन में जितने भी राजा हुए, जितने भी शासक हुए, उनमें मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। लेकिन दोस्तों, इसकी सनक भरी योजनाओं और क्रूर कृत्यों के कारण लोग इसे पागल और रक्त पिपासु कहते थे। इसने 4 योजनाएँ लागू की थी। पहला था दुआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दूसरा, इसने अपने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर दिया और उसके बाद उसका नाम दौलताबाद रख दिया। तीसरा, इसने संकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था जिसकी वजह से इसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया गया। उसके बाद खुरासन एवं कराचिल के अभियान के लिए भी इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नाम की एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, अमीर कोही नाम की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दोस्तों, मैंने आपको एक बार बताया था कि इतिहास की जानकारी विदेशी यात्रियों, कवियों, लेखकों और शिलालेखों के माध्यम से मिलती है। तो इसके शासनकाल में जो अफ्रीकी यात्री आया था उसका नाम था इब्ने बतूता। ठीक है, इब्ने बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में आया था। ठीक है, इसकी पुस्तक का नाम था रेहला। ये भी इम्पोर्टेंट है, इब्ने बतूता की पुस्तक का नाम रेहला था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के घटनाओं के बारे में, उसके शासनकाल की घटनाओं के बारे में हमें जानकारी देती है। दोस्तों, 20 मार्च 1351 ईस्वी को मोहम्मद बिन तुगलक सिंध जा रहा था, वहीं रास्ते में थट्टा के निकट इसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, एक बात और ध्यान में देने लायक है कि इसी के शासनकाल में दिल्ली में ये शासन कर रहा था मोहम्मद बिन तुगलक, उधर दक्षिण भारत में जो था वो हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, उन्होंने विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। आप यहाँ से भी इसको याद कर सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का इधर शासनकाल चल रहा था दिल्ली में और ये इधर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई दक्षिण भारत में, जो किसने की थी, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी।
ठीक है। वहीं महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह शासन कर रहा था, 1347 ईस्वी में इसने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी, ठीक है, ये भी इसी के टाइम पीरियड में था। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बारे में इतिहासकार बरनी लिखता है कि अंततः लोगों को उससे और उसे लोगों से मुक्ति मिली। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। जब इसकी मृत्यु हुई तुरंत उसके बाद वहीं थट्टा में ही इसका राज्याभिषेक हो गया फिरोज शाह तुगलक का। उसके बाद दिल्ली में जब वापस आए तो फिरोज शाह तुगलक का एक बार फिर से राज्याभिषेक हुआ। फिरोज शाह तुगलक दोस्तों ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों एक नया कर सिंचाई कर लगाया जो कि उपज का 1/10 भाग था। इसके साथ ही इसने 5 नई बड़ी नहरों का निर्माण कराया और साथ ही साथ 300 बड़े बड़े नगरों का निर्माण कराया, जिसमें 5 नगर मुख्य थे, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर। दोस्तों इसके ही शासनकाल में खिजराबाद और मेरठ से 2 अशोक के शिलालेख लाकर दिल्ली में स्थापित कर दिए गए। इसने दीवान ए खैरात और दीवान ए बंदगान नाम के 2 विभागों की स्थापना की। इसमें जो दीवान ए खैरात था वो अनाथ मुस्लिम महिलाओं और विधवाओं एवं लड़कियों के लिए था, उनकी सहायता के लिए था, और जो दीवान ए बंदगान था वो दासों की देखभाल के लिए था। दोस्तों इसी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा दासों की संख्या थी, वो थी लगभग 180,000 के करीब थी। दोस्तों सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ही दिल्ली में स्थित कोटाला फिरोज शाह दुर्ग की स्थापना की। और दोस्तों फिरोज शाह कोटाला नाम का एक स्टेडियम भी है दिल्ली में, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। सन 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। दोस्तों इसकी मृत्यु के बाद तुगलक वंश का पतन शुरू हो गया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। दोस्तों 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के ही शासनकाल के समय दिल्ली पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। इस आक्रमण के बाद तुगलक वंश का पतन हो गया और इसके बाद आता है दोस्तों सैयद वंश। सैयद वंश कुछ ज़्यादा चला तो नहीं, केवल 37 वर्ष ही चला, लेकिन वो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चला। सैयद वंश के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। सैयद वंश का जो संस्थापक था वो था खिज्र खां। खिज्र खां दोस्तों तैमूर लंग का सेनापति था। जब भारत से तैमूर लंग लौट रहा था नरसंहार करके, तो खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त कर दिया था। उसी ने सैयद वंश की नींव डाली थी। खिज्र खां दोस्तों नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था, यानी कि खिज्र खां शासन यहाँ करता था और टैक्स शाहरुख को भेजा करता था जो कि तैमूर लंग का पुत्र था। खिज्र खां की मृत्यु 1421 ईस्वी में 20 मई को हो गई। उसके बाद उसका पुत्र मुबारक खां हुआ, जिसने शाह की उपाधि धारण की। दोस्तों मुबारक शाह के दरबार में याहिया बिन सरहिंदी नाम का एक कवि रहता था। दोस्तों सरहिंदी ने ही तारीख़ मुबारक शाही की रचना की, जिसकी मदद से हमें सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों मुबारक शाह ने ही मुबारकाबाद नाम के एक नगर की स्थापना की जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक चला, लगभग 37 वर्षों तक। उसके बाद इसका भी पतन हो गया। अब दोस्तों सैयद वंश के बाद आता है लोदी वंश, जो कि मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इसी वीडियो में से मैं उन क्वेश्चंस को पुट अप करूंगा और आपको 10 सेकंड का मौका दूंगा। आप रफ और पेन के साथ बैठिए, आंसर्स को अपने रफ में लिखिए, उसके बाद में आप अपने आंसर को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए आंसर से मैच कराइए। तो दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट। ये रहा पहला क्वेश्चन। We'll be right back.
दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो वीडियो आपको चाहिए हो वो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपनी राय दीजिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा ज़रूर जल्द से जल्द। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।